साल 1986 में यूरेनस एंड 1989 में नेपच्यून की डिटेल्ड इमेजिंग करना, साल 2004 में ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार टर्मिनेशन शॉक, और साल 2012 में फाइनली हीलियोपोल्स को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री मारना, ये सभी कुछ ऐसे कारनामे हैं जो नासा के वॉयजर मिशन ने किए हैं। पर आखिर कैसे? क्योंकि वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स को इनिशियली केवल 5 साल के मिशन के लिए ही तैयार किया गया था। तो आखिर आज ऑलमोस्ट 50 साल बीत जाने के बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस के सबसे हार्श एनवायरनमेंट में जिंदा कैसे? आखिर वो कौन सी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जो नासा के इन स्पेसक्राफ्ट्स में प्रयोग किए गए हैं? इसके अलावा आपने कई बार नासा द्वारा दिए गए अपडेट्स में देखा होगा कि कई बार समय समय पर हमारा वॉयजर स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन टूट चुका है, जिसकी कई सारी वजह रही है। लेकिन इन सभी को नासा ने समय समय पर वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स को भेजे गए नए अपडेट्स के जरिए करेक्ट कर लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नए अपडेट्स के जरिए, वो भी पृथ्वी से एटलीस्ट 20 बिलियन किलोमीटर्स दूर इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहे स्पेसक्राफ्ट को। जबकि ना तो इन स्पेसक्राफ्ट के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है और ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर कैसे? सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। वॉयजर फ्रॉम प्लैनेटरी टू इंटरस्टेलर मिशन। तो दोस्तों, जब साल 1977 में वॉयजर 1 और वॉयजर 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए गए थे, तब नासा का इनिशियल ऑब्जेक्टिव 5 ईयर मिशन था, जिसमें इन्हें जुपिटर और सैटर्न और उनके मून्स को एक्सप्लोर करना था। बट सरप्राइजिंगली, जब वॉयजर मिशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया एंड हमें जुपिटर और सैटर्न की कई डिटेल्ड इमेजेस मिल गई, उसके बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सही कंडीशन में थे, इसीलिए नासा ने उसी समय इन्हें यूरेनस और नेपच्यून की ओर भेज दिया। जिसके बाद साल 1986 से 1989 तक वॉयजर 2 ने यूरेनस से नेपच्यून की भी क्लोज फ्लाईबाय कंप्लीट की। अब नासा ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मिशन इसके बावजूद भी रनिंग कंडीशन में होंगे, पर ये थे एंड तेजी से ऊट क्लाउड की ओर बढ़ रहे थे, जिसको देखते हुए अब नासा को ये यकीन था कि ये स्पेसक्राफ्ट अपनी काबिलियत से काफी बढ़कर है, जिनके जरिए इंटरस्टेलर मिशन किए जा सकते हैं। एंड यहीं से शुरुआत हुई वॉयजर्स के इंटरस्टेलर मिशन की, जहां से अब ये सोलर सिस्टम के बियॉन्ड इंटरस्टेलर स्पेस की ओर अपने सफर की ओर निकल पड़े थे। दिसंबर 2004, वॉयजर 1 ने टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस किया। टर्मिनेशन शॉक सोलर सिस्टम में एक ऐसी बाउंड्री है जहां इंटरस्टेलर रेडिएशन पहुंचने के कारण और इनसे इंटरैक्शन के कारण सोलर विंड स्लो डाउन होकर काफी डेंस हो जाती है। अगस्त 2007 में वॉयजर 2 ने भी टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस कर लिया। इसके बाद इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम का एज कही जाने वाली लेयर हीलियोपॉज की और अपनी सफर की शुरुआत की। हीलियोपॉज की बात करें तो ये सूरज के मैग्नेटिक फील्ड के कारण पूरे सोलर सिस्टम के अराउंड बना एक प्रोटेक्टिव बबल है, जो कॉस्मिक रेडिएशन से हमारे सोलर सिस्टम और उसके अंदर मौजूद हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। फाइनली सालों के सफर के बाद 25 अगस्त 2012 को वॉयजर 1 ने हीलियोपॉज को क्रॉस करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री मार ली। ऑल्सो 5 नवंबर 2018 को वॉयजर 2 ने भी इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री करके इसे ज्वाइन कर लिया, और इस तरह से वॉयजर 1 ऐसा पहला मैन मेड स्पेसक्राफ्ट बना जो इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर पाया है, जहां आज भी ये दोनों इंटरस्टेलर स्पेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डेटा पृथ्वी तक भेज रहे हैं। जबकि इस समय वॉयजर 1 पृथ्वी से 162 AU यानी कि ऑलमोस्ट 24 अरब किलोमीटर और वॉयजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में 134 AU यानी कि 20 बिलियन किलोमीटर दूर है। पर आखिर इन स्पेसक्राफ्ट के इंजीनियरिंग में ऐसा खास क्या है जो इन्हें इतने समय तक इंटरस्टेलर स्पेस में अलाइव रखे हुए है, जबकि ये मिशन केवल 5 साल के लिए ही डिजाइन किए गए थे। इंजीनियरिंग ऑफ वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स। तो दोस्तों, दोनों वॉयजर स्पेसक्राफ्ट के कंप्यूटर ऑलमोस्ट 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिनकी स्टोरेज मेमोरी केवल 70 किलो बिट्स का है। नाउ ऑफ कोर्स आपको सुनने में ये काफी कम लग ही रहा होगा, क्योंकि ये है भी, और आजकल के स्मार्टफोन द्वारा खींची गई एक फोटो ही कई MBs की होती है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि जिस समय की टेक्नोलॉजी पर वॉयजर स्पेसक्राफ्ट है ना, उसके लिए ये मेमोरी मोर देन इनफ है। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स कंप्यूटर। देखो, दोनों वॉयजर मेनली 3 कंप्यूटर पर काम करते हैं, जिसमें पहला कंप्यूटर स्पेसक्राफ्ट के मेजर इंस्ट्रूमेंट स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जबकि सेकंड कंप्यूटर जिसे AACS यानी कि एटीट्यूड एंड आर्टिकुलेशन कंट्रोल सब सिस्टम नाम दिया गया है, उसका केवल एक काम है, अर्थ के रिस्पेक्ट में वॉयजर के 3.7 मीटर यानी कि 12 फीट के कम्युनिकेशन एंटीना को हमेशा
अर्थ की ओर पॉइंटेड रखना, जो काफी इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि अगर वॉयजर का एंटेना अर्थ की ओर पॉइंटेड नहीं रहेगा ना, तो इससे नासा का कम्युनिकेट कर पाना या फिर वॉयजर द्वारा अर्थ तक कोई भी डेटा सेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। इन शॉर्ट, इस कंडीशन में ये स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम में खो भी सकता है, जो दोनों वॉयजर स्पेसक्राफ्ट के साथ कई बार हो भी चुका है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली वॉयजर 2 के कंप्यूटर में कॉस्मिक रेडिएशन से आए एक एरर के चलते एंटेना के थोड़ा मूव हो जाने पर हमारा वॉयजर से कम्युनिकेशन टूट गया था। बट वॉयजर के सिस्टम में मौजूद अपडेट के चलते जब एंटेना अपनी पहली पोजिशन में वापिस आया ना, तब हम इससे कम्युनिकेट कर पाए। वॉयजर के तीसरे कंप्यूटर का काम इसमें लगे वाइड एंगल और नैरो एंगल लेंस कैमरा द्वारा खींची गई इमेजेस और अदर साइंटिफिक डेटा को स्टोर करना है। पर आखिर वो कौन सा एनर्जी सोर्स है जो वॉयजर के इन कंप्यूटर्स को ऑलमोस्ट 40 साल से लगातार रन कर रहा है? वेयर डज वॉयजर गेट इट्स फ्यूल? तो देखो, इन इंटरस्टेलर ट्रैवलर्स के कंप्यूटर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में एक लॉन्ग लास्टिंग रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर को फ्यूल सोर्स के रूप में लगाया गया है, जो रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम 238 आइसोटोप के डीके होने से बनी हीट को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करता है, जिससे ये 157 वाट्स इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकता है। ये इतनी एनर्जी है जिससे आप अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। वैसे सुनने में तो काफी कम लग रहा होगा, खास करके इस कार साइज के बड़े स्पेसक्राफ्ट को ऑलमोस्ट 50 साल स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में चलाने के लिए, जो कि देखो है भी, बट यहां पर नासा थोड़ा सा लकी रहा है, क्योंकि उनके नक्षत्र काफी अच्छे थे। एंड ये मजाक नहीं है, क्योंकि उस समय साल 1977 में ऑलमोस्ट 176 साल बाद हमारे सोलर सिस्टम के चार बड़े गैस जायंट्स एक रेयर अलाइनमेंट में आने वाले थे। नासा ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपने दोनों वॉयजर स्पेसक्राफ्ट को एक के बाद एक साल 1977 में ही लॉन्च किया, जिससे ये लॉन्च के बाद जब इन गैस जायंट तक पहुंचे, तब इन्हें एक्सप्लोर करने के साथ साथ एक के बाद एक उनकी ग्रेविटी की मदद से ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट करते हुए अपनी स्पीड को भी बढ़ाते गए, वो भी अपने थ्रस्टर्स को ना के बराबर प्रयोग करके। इसीलिए उनका फ्यूल एंड थ्रस्टर्स इतने सालों तक चल सके हैं। अब अगर इनके थ्रस्टर्स की बात करें ना, तो हर एक वॉयजर स्पेसक्राफ्ट में ना 16 हाइड्रोजन थ्रस्टर्स लगे हैं, जिनमें 8 मेन थ्रस्टर्स हैं एंड बचे हुए 8 बैकअप थ्रस्टर्स हैं। पर दोनों ही स्पेसक्राफ्ट के 8 मेन थ्रस्टर्स काफी पहले ही खराब हो चुके हैं, और अभी दोनों स्पेसक्राफ्ट अपने लास्ट बैकअप थ्रस्टर्स पर चल रहे हैं। अब देखो, ये बात इसीलिए भी खास है क्योंकि वॉयजर स्पेसक्राफ्ट के बैकअप थ्रस्टर्स लॉन्च के बाद से ही 37 साल तक बंद थे। ऐसे में ये काम करेंगे भी या नहीं, इस पर वैज्ञानिकों को काफी डाउट था। लेकिन सरप्राइजिंगली, इन स्पेसक्राफ्ट की इंजीनियरिंग इतनी बेहतर थी कि जब इतने साल बाद इन्हें ऑन होने की कमांड दी गई ना, तो ये तुरंत ऑन हुए, और आज इन्हीं की मदद से ये स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। इसके अलावा, इन स्पेसक्राफ्ट के अभी भी अंतरिक्ष में अलाइव होने के पीछे एक बड़ा कारण नासा द्वारा अर्थ से बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर ट्रेवल कर रहे स्पेसक्राफ्ट तक टाइम टू टाइम भेजे गए अपडेट्स भी है। व्हाई नासा needs to update Voyager? तो देखो, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि वॉयजर स्पेसक्राफ्ट हमारे आज के कंप्यूटर की तरह सिलिकॉन बेस्ड चिप पर काम नहीं करता, बल्कि ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में कंप्यूटर कमांड सबसिस्टम यानी कि CCS नाम के कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक मेटल प्लेट वायर बेस्ड मेमोरी होती है जो बाइनरी बिट्स फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है। वैसे इसकी वर्किंग भी ना काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें ये पूरी प्लेट एक सिस्टमैटिक फिजिकल वायर ग्रिड की तरह काम करती है, जिसमें कई अलग अलग इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर ये पॉइंट्स सिंगल बिट्स की तरह बिहेव करते हैं, एंड इनमें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की डायरेक्शन को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हुए बिट को भी चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रिक फ्लो क्लॉकवाइज हो तो 0 शो होगा एंड एंटी क्लॉकवाइज हो तो 1। अब इसी मेटालिक प्लेट की मेमोरी से दोनों वॉयजर स्पेसक्राफ्ट अपने इंस्ट्रूमेंट्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। पर अगर नासा को वॉयजर के किसी इंस्ट्रूमेंट फंक्शन को चेंज करना हो, या किसी ऑटो कमांड को सेट या रिमूव करना हो, या उनके प्रोग्राम में आए किसी एरर को सॉल्व करना हो, तब इन कंडीशन में नासा वॉयजर के इन कंप्यूटर को एक नए कोड के साथ अपडेट करता है। नाउ फॉर एग्जांपल, 25 अगस्त 1989 में जब वॉयजर 2 नेपच्यून के पास से क्लोज फ्लाईबाय कर रहा था, तब वहां सनलाइट काफी कम होने के कारण इसके कैमरास के लिए नेपच्यून की डिटेल्ड पिक्चर कैप्चर करना काफी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में
में नासा ने एक अपडेट के जरिए वॉयजर 2 के कैमरा एंगल्स को एडजस्ट करते हुए इस इश्यू को सॉल्व किया। इसके अलावा जब इन स्पेसक्राफ्ट ने इंटरस्टेलर स्पेस जर्नी की शुरुआत की तब लॉन्ग रन में इन स्पेसक्राफ्ट की बैटरी को बचाने के लिए नासा द्वारा इनके कई इंस्ट्रूमेंट्स को ऑफ किया गया, लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट्स को परमानेंटली ऑफ करने के बाद भी इनसे रिलेटेड अननेसेसरी कमांड्स और अदर इन्फो डेटा स्पेसक्राफ्ट के कंप्यूटर मेमोरी में सेव था, जिससे नई कमांड्स के लिए 70 किलोबिट्स की मेमोरी में कोई भी जगह नहीं थी। इसलिए नए कमांड्स को इंक्लूड करने और पुराने कमांड्स और इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड डेटा को हटाने के लिए भी नासा ने वॉयजर स्पेसक्राफ्ट को अपडेट सेंड किया था। बट हाउ डू वी अपडेट वॉयजर फ्रॉम अर्थ? तो देखो, जैसे अभी आपने वॉयजर स्पेसक्राफ्ट के कंप्यूटर की वर्किंग को समझा कि ये कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज पर काम करते हैं, वैसे वो तो सभी कंप्यूटर्स करते हैं, पर क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स में अलग अलग एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो हम अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे HTML, C++ में कोड को लिखकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देते हैं जो इन्हें बाइनरी कोड में चेंज करके रन करते हैं। बट क्योंकि वॉयजर के कंप्यूटर्स में कोई भी सॉफ्टवेयर है ही नहीं एंड ना ही इसमें इतनी जगह है कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सके, इसीलिए नासा वॉयजर स्पेसक्राफ्ट को अपडेट डायरेक्टली बाइनरी बिट में ही भेजती है। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि देखो, हम इंसान ना मशीन्स की इन बाइनरी लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं लिख सकते। साल 1977 में भी जब इन कंप्यूटर को तैयार किया गया था तब इन बाइनरी बिट को उस समय प्रयोग होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबली से लिखा गया था, क्योंकि एक लौती ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन्स की बाइनरी कोड लैंग्वेज के काफी करीब है। इसलिए नासा के इंजीनियर्स वॉयजर सिस्टम को अपडेट करने के लिए हर बार पहले सारी न्यू कमांड्स एंड अपडेट असेंबली लैंग्वेज में ही लिखते हैं और फिर इन्हें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके नासा के डीप स्पेस नेटवर्क की मदद से 16 बिट्स पर सेकेंड के स्पीड पर अर्थ से कई बिलियन किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहे वॉयजर स्पेसक्राफ्ट की ओर भेज देते हैं, जहां से ये डेटा वॉयजर के हाई गेन कैसीग्रेन एंटीना द्वारा रिसीव किया जाता है एंड उसके बाद वॉयजर कंप्यूटर्स इस डेटा को इंस्टॉल करते हुए अपने पुराने बाइनरी कोड बिट्स की पोजीशन इस नए डेटा के साथ रिप्लेस कर देता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह नासा ने इन अपडेट्स के जरिए वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स में आए कई एरर्स और इश्यूज को करेक्ट करके इसे स्पेस में खोने से हर बार बचा लिया है। फॉर एग्जांपल, जून 2022 में जब वॉयजर 1 अचानक से कुछ मिस्टीरियस सिग्नल्स भेजने लगा था तब रिसर्च में सामने आया कि कॉस्मिक रेडिएशन से इसके सेकंड कंप्यूटर यानी कि जो कंप्यूटर्स के स्पेस में एटीट्यूड एंड पोजीशन डेटा को नासा के डीप स्पेस नेटवर्क को भेजता है ना, उसकी एक बिट में एरर डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से वॉयजर का कंप्यूटर नासा को अजीब सी 0 और 1 नंबर्स के कोड भेज रहा था, जिसको नासा ने बाद में अपने एक अपडेट को सेंड करके फिक्स कर दिया। इसके अलावा साल 2014 में वॉयजर 2 के एक हार्डवेयर के मैल फंक्शन कर जाने पर भी उसे नासा ने एक अपडेट के जरिए ऑफ किया। ऑल्सो साल 2010 में जब रेडिएशन के चलते वॉयजर की मेमोरी करप्ट हो गई ना, जिसमें एक बिट 0 से 1 में बदल गई थी, उससे हुआ ये कि कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले ऑटोमेटिक टास्क ऑलमोस्ट 2 घंटे तक लेट एग्जीक्यूट किए जा रहे थे, जिसके बाद नासा ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट को सेंड किया और उस फॉल्टी बिट को वापस से करेक्ट किया। वैसे अगर आपने अभी तक ये वीडियो ध्यान से देखी है ना, तो आपने गौर किया होगा कि वॉयजर पोजीशन को अर्थ के रिस्पेक्ट में करेक्ट करने वाले सिस्टम का नाम एटीट्यूड एंड आर्टिकुलेशन कंट्रोल सब सिस्टम है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि रॉकेट साइंस में एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।